हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय कुकिंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज एक नई रेसिपी लेके आया हूँ, पोटैटो चीज बॉल कैसा बनाना है। शुरू से अंत तक वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन करके रखना, ऐसी मज़ेदार वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या कहते हैं, मैं 500 ग्राम के आसपास आलू ले लिया, उसको बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया मैंने। जैसे दो सीटी हो जाएगा उसको क्या कहना, मैश पोटैटो ऐसे निकलना है। छानी बड़े छन्नी में डाल के इसको मैश करके निकलना है। पहले मैंने यहाँ पे ले लिया 200 ग्राम का आसपास ले लिया, हमारा 5-6 बॉल बन जाए। उसके बाद डालूँगा, कोई भी आप फ्लावर डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद डालूँगा मैं कॉर्न फ्लावर डाल रहा और मैदा डाला। उसके बाद सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ऑलिव ऑयल एंड आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो। आप आपके पास ये अवेलेबल नहीं होगा तो रिफाइंड ऑयल डाल के इसको क्या करना है, अच्छा से मिक्स करना है, अच्छा से बिल्कुल मिक्स करना है। अच्छा से मिक्स कर लेता हूँ मैं, बिल्कुल जैसा घर में रोटी का डो बनाते हो जैसी, ऐसी बिल्कुल ऐसी डो की तरफ बनाना है। घर में जैसा बनाते हैं ऐसी ये करके अच्छा से फेंट के अच्छा से बनाना है, जैसा देख पा रहे हो आप लोग ऐसी, ठीक है। थोड़ा पतला हो जाए तो आप थोड़ा क्या कॉर्न फ्लावर का मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखना, क्योंकि कॉर्न फ्लावर से ये थोड़ा क्रिस्पी बनता है, इसलिए कॉर्न फ्लावर ज़्यादा ये करना, जो मैदा है कम डालना, ठीक है। ऐसे करके डो बनाना है। डो बना के इसको 5-6 मिनट के लिए मैंने पे ढक के रख दूँगा। इसके बाद एक बॉल में ले लूँगा फ्लावर, ले लेता हूँ मैदा ले लेता हूँ। इसके बाद डालूँगा कॉर्न फ्लावर, मैदा कम रहना चाहिए और कॉर्न फ्लावर ज़्यादा रहना चाहिए। उसके बाद दो अंडा डाल दूँगा एंड बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डाल के क्या करना है, इसको अच्छा से घोल बनाना है, बिल्कुल पतला करके घोल बनाना है। फिर उसका ऊपर से डाल दूंगा सॉल्ट, सॉल्ट डाल के इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद देखो हमारा बैटर बन गया, बिल्कुल ऐसी ये बनाना है, बिल्कुल ऐसी बटर बनाना है। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है या ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, एक बॉल ले लेता हूँ मैं, उसी से बॉल बना लेता हूँ ऐसे गोल गोल करके। फिर इसको क्या करना है, बीच में गड्ढा करना है ऐसे हाथ का, ऐसे फिंगर से आप फिंगर का मदद से आप ऐसे बीच में गड्ढा करना है। गड्ढा करके क्या करना है, इसमें आपका पास जो चीज़ अवेलेबल होगा, आपको चीज़ पसंद है तो चीज़ डाल सकते हो, जो आपको पनीर पसंद है तो पनीर भी डाल सकते हो। मेरा पास है मुजरेला चीज़ डाल दिया। आपको चीज़ ही पसंद है तो चीज़ डाल सकते हो, आप चीज़ पसंद नहीं है तो आप वेजिटेबल भी डाल सकते हो। कोई भी ऐसी कोई ये नहीं है जो इसको चीज़ बना के खाना है, ठीक है। चीज़ में क्योंकि ऑलरेडी इसका जो ये आता है फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसमें मैंने चीज़ डाल के इसको एक बना लिया। दूसरा भी बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसे क्या करना, हाथ में रिगोल करना है, रिगोल करने के बाद इसको बीच में गड्ढा करके चीज़ डाल देना है। चीज़ डाल के इसको क्या करना है, फिंगर के मदद से और चारों तरफ का बीच में ये करना है, फिर इसको रिगोल करना है। मैंने ऐसे करके सारे ऐसे बना लेता हूँ। ऐसे करके मैंने सारे बना लिया, टोटल हमारा 6 पीस हो गया, 6 पीस बॉल हो गया। इसको 6 पीस को क्या करना है, आपको जो घोल बना के रखा था वो घोल में डुबाना है, डुबा के उसका अच्छा से इसको मिक्स करना है अच्छा से, ठीक है। स्पून का मदद से कर सकते हो, हाथ से भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ब्रेड गरम से क्या करना है, इसको ये करना है, ब्रेड गरम लगाना है, चारों तरफ से ब्रेड गरम लगाना है। ब्रेड गरम नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका घर में ब्रेड होगा दुकान से, जो बाजार से जो ब्रेड मिलता है उसको क्या करना है, आप थोड़ा पैन में थोड़ा ये करके आप ज़्यादा टाइम में ये करके मैंने पकाना है। पकाने के बाद उसी ऐसे हाथ से तोड़ के आप ब्रेड गरम भी बना सकते हो, बहुत ईजी है ब्रेड गरम बनाना, ठीक है। और दुकान से मिल जाएगा तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। आपका सामने पास नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ऐसी ब्रेड से भी आप बना सकते हो, ब्रेड गरम घर में ईजी बना सकते हो। कभी एक दिन आपका पास ये रेसिपी लेके आऊँगा, ब्रेड गरम कैसा बनाना है, ठीक है। फिर उसका हमारा 6 बॉल ऐसी तैयार कर लिया मैंने, कह के पे तेल चढ़ा दिया, तेल गरम हो गया। तेल भी ज़्यादा गरम नहीं करना है, बिल्कुल हल्का रखना है, क्योंकि ज़्यादा तेल गरम होगा तो ब्रेड गरम हमारा जल जाएगा फिर अंदर आलू जो है पोटैटो वो पकेगा नहीं, ठीक है। इसलिए क्या करना है, थोड़ा सा मीडियम होने के बाद आप कैसे ऐसे डालना है, डाल के ऐसे धीरे धीरे चलाना है, जब तक हमारा ब्रेड गरम ये कलर होते होते हमारा अंदर का भी आलू भी पक जाए या चीज़ भी मेल्ट हो जाए, ठीक है। उसी हिसाब से मैं ये करता हूँ। ये देखो हमारा कितना गोल्डन मस्त कलर आ चुका है, पूरा 6 के 6 बॉल तैयार हो चुका है। देखो एक पे मैंने निकाल लिया, एक टिश्यू पेपर का ऊपर निकाल लिया, इसको काट के दिखाता हूँ यार कितना चीज़ी हुआ है। देखो कितना चीज़ी हुआ है देखने में भी, इसे घर का बच्चे को खिलाओगे तो वह ऐसी नाश्ते में बहुत मज़ा आएगा,
आप बोल भी यकीन नहीं कर सकते, आप खाएगा तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। एक साइड में मैंने नहीं लिया टमाटर केचप, हमारा पहले से पड़ा हुआ था हरी चटनी नहीं है, हरी चटनी का साथ ये मज़ा आता है। आपका पास हरी चटनी नहीं है तो टमाटर केचप तो ऑलरेडी हो गया था ये सभी का घर में, इसलिए हरी टमाटर केचप से आप खा सकते हो। फिर इसको ऊपर से क्या कहने, मैंने 5 बेल डाल दिया, उसको आधा आधा वाला हिस्सा को मैं भी डाल देता हूँ, देखने में कितना कूल लग रहा है, चीज़ी भी लग रहा है। ठीक है, जरूर घर पे ट्राई कीजिए ये चीज़, हम तो खा के इंजॉय किया, आप ज़रूर ट्राई करना। और ऊपर से क्या कहना, आप मेयोनीज भी डाल सकते हो, चिली मेयोनीज भी डाल सकते हो। चिली मेयोनीज बनाने के लिए ऐसी कुछ ये नहीं है, क्या कहना, आपको उसका अंदर चिली डाल के उसको मिक्स करना है, बस उसमें कुछ ये नहीं है, बस चिली मेयोनीज बनाना है, बना के ऊपर से ऐसी डालना है। फिर उसके बाद मैं ऊपर से एक पार्सल रख दूंगा, पार्सल बाप हरिया धने भी रख सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक करना, कॉमेंट करना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। Yeah.